आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। तो चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर को विस्तार से। सोशल मीडिया पर टॉय गन के साथ रील्स बनाना शेयर करने के मामले में एक युवक को पुलिस ने टॉय गन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के पेट बिरीचा गांव के निवासी रमाश्री कुशवाहा के 32 वर्षीय बेटा कमलेश कुशवाहा के रूप में हुई है। युवक के पास से सोशल मीडिया पर वायरल लहराए गए हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। आपको बताते चले कि एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हथियार के साथ रील्स एक युवक द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। मामले की जांच और कार्रवाई को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक टीम बनाकर मामले की जांच की गई। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि वायरल वीडियो में युवक द्वारा लहराए गए हथियार टॉय गन था। एसपी ने बताया कि पुलिस ने वीडियो में इस्तेमाल मोबाइल और हथियार भी बरामद किया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने वीडियो को अपने एक मित्र से एडिट कराया था। उसमें उसने स्पेशल इफेक्ट भी डलवाए थे। जिस हथियार का इस्तेमाल उसने वीडियो में किया था वह टॉय गन था। नगर थाने में मेन रोड स्थित केडिया गन हाउस से खरीदा गया था। स्पेशल इफेक्ट की मदद से उसमें फायरिंग की आवाज डलवाई थी। पुलिस ने बताया कि शख्स ने सिर्फ दहशत फैलाने के मकसद से ये वीडियो बनाया था। सामने आया है जिसमें लोग लाइसेंसी हथियार और अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल कर रहे हैं और इन लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कई कार्रवाई गोपालगंज पुलिस के द्वारा किया गया है। हाल ही में एक युवक को गिरफ्तार किया गया जिसमें उसने लाइसेंसी हथियार को लहराते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर। ऐसा ही एक मामला बिसम्बरपुर और विजयपुर थाने में भी हुआ था। कई मामले ऐसे हैं जिसमें लाइसेंसी हथियार लहराए जा रहे हैं और कई ऐसे मामले हैं जिसमें अवैध हथियार भी लहराए जा रहे हैं। इन सभी मामलों में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शहर के अम्बेडकर चौक पर राजद नेताओं ने बढ़ती महंगाई, नई शिक्षा नीति व जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया व केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजद जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह ने बताया कि सूबे के सभी जिलों में आज हम लोग संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना के बाद DM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति व बढ़ती मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जातिगत जनगणना कराने की मांग का ज्ञापन भी DM को सौंपा जाएगा। इस धरना प्रदर्शन में जिले के सभी राजद नेता शामिल हैं। आज हम लोग 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पे एक दिवसीय धरना अंबेडकर चौक पे हम लोग धरना पे बैठे हैं। यह धरना केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ में है। इस धरना का मूल उद्देश्य है जो नई शिक्षा नीति है, जिसमें गरीब और वंचित लोगों को जो शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ में है। और साथ ही साथ जो समाज के सभी वर्गों को अधिकार देने के लिए जातीय जनगणना जो हो रहा था उस पर जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के द्वारा जो रोक लगाया गया है उसके भी खिलाफ में आज हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं। और साथ ही साथ जो केंद्र की सरकार है वह जो महंगाई रूपी जो डायन को समाज में और समाज के सभी वर्गों को इसके चपेटे में महंगाई के चपेटे में ले रही है, उसके खिलाफ में भी हम लोग आज इस धरने पे बैठे हैं। और यह धरना पूरे बिहार में के सभी जिलों में जिला मुख्यालय में आयोजित है। केंद्र सरकार की जो नीति है कि गरीब को गरीब बनाते जाओ, अमीर को अमीर बनाते जाओ, उसके खिलाफ में हम लोग आज इस धरने पे बैठे हुए हैं। और आने वाले समय में केंद्र की जो गलत नीति है कि गरीब को गरीब बना दो, कि विकास के नाम पे सिर्फ उसको खाना दिखे बाकी उसको विकास नहीं दिखे, उसी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं केंद्र सरकार के। और धरना के बाद हम लोग राष्ट्रपति के लिए जो ज्ञापन बनाए हैं उसको जिलाधिकारी को सौंपेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जातीय जनगणना जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी और 1998 के बाद से ये जनगणना को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। हमारे देवगौड़ा जी ने ये आवाज़ उठाया था, इसको सदन में मिलाए थे मगर इसको रोक दिया गया। और इसको बहुत मजबूती से लालू यादव ने उठाया था इस मुद्दा को, जिसको जा करके अभी नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जिसे अप्रोक्ष रूप से BJP के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसे रोकने का काम किया है। उसी के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और साथ साथ शिक्षा नीति के तहत अगर ये शिक्षा नीति लागू हो गई 2020
तो निश्चित रूप से हमारा जो पिछड़ा समाज है, जो दलित और गरीब समाज है, उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज हम लोगों के बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित आज देश बिहार में जो जातीय जनगणना बिहार सरकार के द्वारा जो कराई जा रही थी उसको भाजपा नीत गठबंधन की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने उस केंद्र के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करा करके और जिस जातीय आधारित जनगणना को रोकने का काम किया गया है उसके खिलाफ में हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। और जो देश में केंद्र की सरकार नई शिक्षा नीति जो लागू कर रही है उस नई शिक्षा नीति के लागू करने के विरोध में और जो देश में व्याप्त महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोग आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। नीति ही सब गलत है, शिक्षा के नीति भी गलत है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, सारे प्राइवेट सेक्टर को बेचे जा रहे हैं, इसलिए ये धरना दिया जा रहा है और दबाव बनाने के लिए। साथ ही एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाएगा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। भाजपा MLC ने सिविल सर्जन के साथ सदर अस्पताल की कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ शिकायतें मिली जिसको लेकर कई सुझाव भी दिए गए। सोमवार को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड सहित कई वार्डों में सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद MLC राजीव कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात की व उनको मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इस बीच कुछ शिकायतें भी मिली जिनके सुधार को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि कुछ शिकायतें मिली थी जिसका सुधार किया जा रहा है। पहले भी प्लास्टर करने वाली बाहरी व्यक्ति को पकड़ा गया, जुर्माना लगाया गया। मरीजों से आग्रह है कि किसी दलाल के चक्कर में न पड़े, दवा बाहर से न ले, कोई जांच बाहर न कराएं, सभी सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं। आगे किसी दलाल की शिकायत मिली तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज जो है माननीय MLC साहब द्वारा निरीक्षण किया गया, हम भी उपस्थित थे। कुछ लोग शिकायत किए हैं, उसका निवारण हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। इसके पहले भी प्लास्टर के लिए कुछ शिकायत मिला था, तो जो प्लास्टर करने वाला और कराने वाला जो था, जो भी बाहरी आदमी था दलाल, उसको पकड़ के दोनों को फाइन लिए थे। फिर अगर है तो फिर हम फाइन करेंगे। बाहर के दलाल लोग है, कभी कभी घुस आते हैं, उसके लिए साइनेज हम लगा चुके हैं कि बाहर के दलाल के चक्कर में मत पड़े, है ना। अपना दवा जो है इस सरकारी काउंटर से लें, जांच सरकार के अंदर जो व्यवस्था है पैथोलॉजी एक्सरे और CT उससे कराएं, उसके लिए साइनेज हम लगा दिए हैं। लेकिन तो भी आम जनता जो है कुछ कुछ होती है जो देहात से आती है, चंगुल में फंस जाती है, इसलिए हम आम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी की दलाल के चक्कर में ना पड़ें और जारी सारी सुविधा हमारे यहाँ भरपूर है, उसकी जाँच की कोई कमी नहीं है, एक्सरे की कोई कमी नहीं है, आपका CT के लिए 24 घंटा खुला हुआ है, पैथोलॉजी हम लोग अभी 12 घंटा चला रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और दवा भरपूर है, दवा की कोई कमी नहीं है। एक दो आइटम आता है वो भी ख़त्म होता है, फिर तुरंत आ जाता है, हम लोग मंगाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है दलालों के चक्कर में जा करके बाहर का दवा लोग खरीद लेता है, तो ऐसा आम जनता से हम रिक्वेस्ट करेंगे वैसा ना करें, हमारे पास दवा की कोई कमी नहीं है। और रहा ये नया सिस्टम जो हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उसके चलते जो है भीड़ बहुत बढ़ गई है। आज सोमवार है और गर्मी का दिन है, इसके चलते भी बहुत भीड़ हो गया है, और हमको लगता है कि ये कल से कुछ उसमें सुधार आएगा, लेकिन हम इसके लिए तत्पर हैं और संख्या जो आउट OPD के काउंटर का जो रजिस्ट्रेशन का हम बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। भेजा नहीं जाता है, वो जो है चंगुल में, दलाल के चंगुल में पेशेंट हमारे फंस जाते हैं, उन लोगों को हम ऐसे कह रहे हैं कि ये लोग जो है इसी काउंटर से दवा लें और बाहर किसी के बहकावे में ना आए। दवा की हमारे पास कोई कमी नहीं है। रात बिरात में जैसे हुआ, कोई सो गया उठाने नहीं गया और प्लास्टर कहीं से ले लिया, आ कोई दिलवा दिया कमीशन के चक्कर में, तो वो तो भाई उनको तो ध्यान देना पड़ेगा ना अपना, वो खुद अपना सामान, मान ले बस से चोरी होता है तो खुद अपने ध्यान करना पड़ता है कि मेरा सामान चोरी नहीं हुआ, तो इसलिए सबको तो अपना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए साइनेज लगाए हैं, प्रचार कर रहे हैं, एकदम पूरा हो जाएगा, ये जो है 3 से 7 दिन के अंदर में हम काउंटर बढ़ा देंगे। और फॉल्स सीलिंग के लिए हम बात कर रहे हैं जो ठेकेदार है उनसे, और वो जो भी है उसको फॉल सीलिंग अगर नहीं करो लगा पाते हैं तो हम अपने तरफ से अपने संसाधन से उसको पूरा करेंगे। और AC कुछ कम है, उसके लिए हम परचेज करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रक्रिया शुरू करने के लिए हम लोग कोटेशन मंगाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। उसके जन समस्या जन सेवा के लिए हम लोग आज काफ़ी दिन से परेशानी मिल रही थी,
कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं आई थी, लेकिन सिविल सर्जन और डीए सर हैं हमारे साथ, पूरा निरीक्षण कराए। निश्चित रूप से ओपीडी में काफ़ी परेशानी है, वहाँ 3 काउंटर अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन इनसे हमने आग्रह किया कि जनता के परेशानी को देखते हुए जो मरीज आते हैं बड़ी दूर दराज से आते हैं, और ये गोपालगंज पिछड़ा हुआ जिला, आर्थिक और विकास से के दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है, तो लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं ताकि उनका मुफ्त में इलाज हो जाए। तो हमने आज इनसे सहयोग मांगा कि आप निश्चित रूप से इसको 6 काउंटर कम से कम बढ़ा के करिए, तो इन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि कल से परसों तक में अगले 2 दिन में हम लोग 6 काउंटर निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। मरीजों ने शिकायत भी किया था आपसे, क्या शिकायत? मरीज का आया था कि प्लास्टर होते हुए सारा सामान हमको बाहर से लेकर आना पड़ता है, दवा भी लेकर बाहर से आना पड़ता है, लेकिन दवा का उपलब्धता में है, दवा ये भरोसा दिला रहे हैं और कह भी रहे हैं कि दवा का मेरे पास उपलब्धता है। अगर इसी तरह का कोई भी अगर शिकायत आता है तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम लोग का नंबर है जो सार्वजनिक नंबर है उस पर व्हाट्सएप करें, टेलीफोन करके बताएं, हम लोग आके इस पर देखेंगे, जांच करेंगे, अगर जो दोषी व्यक्ति करेगा उसके खिलाफ हम लोग सरकार को बोलेंगे कार्रवाई, स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखेंगे, जिलाधिकारी को बोलेंगे, सिविल सर्जन साहब को बताएंगे कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। बाकी मेरे साथ हैं, आज इन्होंने वादा किया है कि निश्चित रूप से काउंटर बढ़ाएंगे, चूँकि सबसे ज़्यादा ओपीडी में परेशानी है, बाकी जगह तो अभी इनका एक्सरे और सीटी स्कैन काम कर रहा है, एक्सरे अभी थोड़े इंस्टॉल हो रहा है और अभी 10-15 मिनट में काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर परेशानी है, लेकिन उस पर भी हमने साथ मिलकर हमने ज्वाइंटली समीक्षा किया है और इन्होंने आश्वस्त किया है कि सारी जगह, चूँकि अस्पताल बनने में लगभग 2 से 3 बरस लग जाएंगे, तो मरीज को तो व्यवस्था मिलना चाहिए, डॉक्टर्स भी काफ़ी गर्मी में बैठ के डॉक्टर क्या काम कर पाएंगे जब वो खुद संतुलित नहीं रह पाएंगे, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर सब चीज सुव्यवस्थित। कटिया के भोरे मिसरौली मुख्य पथ पर गुरुवार को लखई मोड़ के समीप 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बेलोरा गांव निवासी रामाकांत यादव का 20 वर्षीय पुत्र बलेंद्र यादव किसी काम से बगही बाजार बाइक से आया था, वापस लौटने के क्रम में वह भोरे मिसरौली मुख्य पथ पर लखई मोड़ के समीप पहुंचा था, तभी सामने से आ रही एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बलिंदर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में घायल बलिंदर यादव को इलाज के लिए क्रमशः भोरे एवं कसिया के निजी अस्पतालों में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। विगत 1 जून से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई, वहीं दूसरा बाइक सवार अपने बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस घटना की जानकारी ग्रामीणों ने स्थानीय थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को जब्त कर ली। विजयपुर थाना क्षेत्र के हुकारपुर गांव में पिछले 21/5/2023 को दिलीप यादव पुत्र मुन्ना यादव नाम के लड़के का अपहरण हुआ था। सीमावर्ती क्षेत्र मुलायम चौराहे पर जाने के दौरान तब से लेकर आज तक एक रहस्य बना हुआ है। पीड़ित परिवार एवं आरोपी परिवार दोनों को ही कमोबेश थाने का चक्कर लगाना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस के लिए ये कांड पहली बन गया है। अपहृत परिवार वालों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं द्वारा दिलीप को बंधक बनाकर रखा गया है एवं अपनी मांग मनवाने के लिए दिलीप के मोबाइल से तरह तरह की धमकी भरा संदेश भेजा जा रहा है। फिरौती के 5 लाख रुपए के लिए कभी जान से मारने की धमकी भरा संदेश मोबाइल पर भेजा जा रहा है। हालांकि ये सभी मोबाइल संदेश दिलीप यादव के मोबाइल से उनके माता पिता के मोबाइल पर भेजा गया है। दिलीप के रोते बिलखते परिवारों का कहना है उनके पुत्र के अपहरण में उनके ही पटीदार नागेंद्र यादव, बलेश्वर यादव, दीन दयाल यादव, मोहन यादव, अर्जुन यादव, श्याम सुंदर यादव का हाथ है। कुछ जमीनी विवाद के कारण दिलीप यादव एवं उनके परिवार से झगड़ा के दौरान 15 दिन के अंदर सबक सिखाने का धमकी दिया गया था, उसी के तहत यह अपहरण का अंजाम दिया गया है। लेकिन जब स्थानीय संवाददाता एवं पीड़ित परिवार और आरोपी व्यक्ति से घटना की जानकारी लिया गया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आया। जहां एक तरफ पीड़ित पक्ष के पटीदारों का आरोप लग रहा है कि वहीं पटीदारों ने भी इस मामले को अपहृत दिलीप यादव का रचा हुआ षड्यंत्र करार दिया जा रहा है। हालांकि अपहृत दिलीप यादव का जमीन खरीद फरुख्त का मामला विवादों से भरा हुआ है पिछले नवंबर दिसंबर माह से, हालांकि अभी तक पुलिसिया जांच जारी है। अपहृत दिलीप यादव के बरामदगी के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला जज राकेश कुमार मालवीय के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान कई न्यायिक मजिस्ट्रेट ने
जिला जज के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया, तो वहीं बार काउंसिल के सदस्यों ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया तथा साथ ही कई वरिष्ठ अधिवक्तागण और व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर जिला जज राकेश कुमार मालवीय ने कहा कि सभी लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। व्यवहार न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण इसलिए किया गया क्योंकि इस परिसर में वृक्ष की संख्या कम हो गई है और यहां वृक्ष लगाने से न्यायालय में आने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और सभी पेड़ के नीचे चबूतरे का निर्माण कराया जाएगा ताकि आने वाले लोग वृक्ष की छांव में बैठकर अपना समय बिता सकें और धूप से बच सकें। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग इस पौधे की देखभाल भी करेंगे ताकि ये पौधा बड़ा होकर लोगों को छाया दे और फल भी दे। इस वृक्षारोपण अभियान में जिला जज के साथ डालसा के सचिव नर्वदेश्वर पांडी, एडीजे वन गुप्ता और बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी शैलेंद्र तिवारी तथा पब्लिक प्रोड्यूसर देवंश गिरी और जीपी अमरिंद कुमार सिंह तथा बरिया अधिवक्ता विपिन श्रीवास्तव, रामनाथ साहू, देवेंद्रनाथ तिवारी, विमलेंद्र दुबे सहित दर्जनों लोगों ने इस वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेकर पर्यावरण का संदेश दिया। थावे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिठौरी गांव की अब्दुल बाबा पुल के पास छापेमारी की और वहां लूट की योजना बना रहे चार अपराधियों को खदेड़ कर गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी देते हुए थावे पुलिस के द्वारा बताया गया कि जब पुलिस सूचना मिलने के बाद अब्दुल बाबा पुल पर पहुंची तो ये अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस बल की टीम ने खदेड़ कर इन चारों को गिरफ्तार किया और तलाशी ली तो इनके जेब से 3 अवैध देसी कट्टा तथा जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राधेश्याम यादव, अंकित माझी और दीपक प्रसाद तीनों साकिन रामचंद्रपुर के रूप में की गई है और सभी आरोपी थावे थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। इनकी गिरफ्तारी में मुख्य रूप से थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार सिंह और पुलिस अवर निरीक्षक प्रशांत कुमार तथा बीएमपी के रविंद्र कुमार, निरंजन कुमार, अनूप कुमार तथा कुछ चौकीदारों ने अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मगध सुगर एवं एनर्जी लिमिटेड यूनिट भारत सुगर मिल्स सिद्धवलिया के पड़ांगन में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चीनी मिल के अधिकारियों ने वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। चीनी मिल के महाप्रबंधक शशि केडिया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है, यदि पेड़ पौधे नहीं रहे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें एक एक पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चीनी मिल पर्यावरण बचाव के हर नियमों का पालन करता है। वहीं मिल के सहायक महाप्रबंधक आशीष खन्ना ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को एक पौधा लगाकर उसे अपने पुत्र की भांति पालना चाहिए ताकि पर्यावरण के बचाव में सफलता मिले। मौके पर इथेनॉल कारखाना के प्रबंधक अतुल चौधरी, अकाउंटेंट दीपक राजगढ़िया, ओपी सिंह, पवन कुमार राव, अभियंता जेपी सिंह, आरपी सिंह, उमेश सिंह आदि मौजूद थे। नवनियोजित अमीनों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण का उद्घाटन प्रभारी जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन द्वारा अपर समाहर्ता सुनील कुमार की गरिमाई उपस्थिति में किया गया। 5 जून 2023 से 12 जून 2023 तक 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित है। प्रशिक्षण शाला का आयोजन राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा गोपालगंज जिला को 48 अमीन के पद पर नियुक्त हेतु अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची प्राप्त हुई थी, जिनमें कुल 45 चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित उनके सभी प्रमाण पत्रों शपथ पत्र का सत्यापन किया गया। तदालोक में 9 नियुक्त अमीन द्वारा योगदान समर्पित किया गया। सरकार के संयुक्त सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार के पटना के निर्देश के क्रम में प्राप्त सभी 9 नियुक्त अमीन को प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठशाला मॉडल के अनुसार 5 जून 2023 को समारोह सभा कक्ष में प्रभारी जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कुचायकोट प्रखंड के मटेनिया तिवारी पंचायत में बीडीओ वैभव शुक्ला व मुखिया सरस्वती देवी, प्रतिनिधि रामाशीष यादव के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कुचायकोट बीडीओ वैभव शुक्ला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलेगी हमारी आदत तो बदलेगा गांव की तस्वीर। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, सूखा व गीला कचरा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं मुखिया सरस्वती देवी, प्रतिनिधि रामाशीष यादव ने कहा कि ये गांव हमारा है, इसे स्वच्छ, सुंदर, खुशहाल बनाए रखना हम सभी का जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर पूरे पंचायत को सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक बनाएं। आप लोगों से अपील है कि अपनी आदत को बदलें तो गांव बदलेगा। कार्यक्रम में पूर्व स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रामाशीष यादव ने साल तथा माला पहनाकर वीडियो वैभव शुक्ला, लॉ नारायण प्रसाद सहित
दर्जनों अतिथियों का स्वागत किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद कई लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मौके पर मुखिया सरस्वती देवी प्रतिनिधि रामाशीष यादव, लॉ नारायण प्रसाद, गुड्डू सिंह, उप मुखिया सुनील तिवारी, बीडीसी प्रतिनिधि डॉक्टर मुन्ना सहानी, पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार यादव, स्वच्छता पर्यवेक्षक मुकेश कुमार यादव, आसिफल्ली जय, परवेज आलम, अनिल किशोर तिवारी, ब्रेश यादव, जगलाल चौहान सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। 5/6/2023 को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अपशिष्ट संस्करण इकाई ग्राम पंचायत राजमटिहिया तिवारी प्रखंड कुचायकोट जिला गोपालगंज के अंतर्गत आज वीडियो वैभव शुक्ला के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी कर्मचारी गण मौजूद से पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार यादव जी, आवास सहायक आलोक कुमार और सभी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यह जो कार्य है वह स्वच्छ पंचायत स्वच्छ गांव बनाने के लिए किया गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामाशीष प्रसाद यादव, मुखिया श्रीमती सरस्वती देवी ग्राम पंचायत राजमती। माजागढ़ में चल रहे सप्त दिवसीय रुद्र महायज्ञ में रवि की रात्रि अयोध्या से आई बाल विषी श्री प्यासी ने श्रोताओं को कथा में सती जी के मुंह एवं शिव जी की द्वारा सती के त्याग एवं सती की अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाने योगनामुखनी बुलाए जाना युगाग्नि में खुद को जलाना एवं पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जल मिलने की कथा श्रवण कराई। प्रवचन के संबोधन में जय श्री राम के नाम से गूंज उठा पूरा माहौल। इस प्रवचन में सैकड़ों की पुरुष महिला सम्मिलित होकर प्रवचन और रामलीला का आनंद लिया। माजागढ़ में खड़ी बाइक को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। घटना माजागढ़ थाना क्षेत्र के बिरती टोला गांव की बताई जा रही है। घटना के संबंध में नागेंद्र सिंह के द्वारा माजागढ़ थाना में FIR अज्ञात चोर के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। दर्ज FIR में नागेंद्र सिंह का कहना है कि मैं अपने दोस्त के साथ बारात में 2 जून को गया था। बारात से घर वापस आने के बाद दरवाजे पर बाइक खड़ा करके चला गया। घर से थोड़ी देर के बाद घर से बाहर बाइक निकलने पर नहीं था। बाइक की खोजबीन किया गया परंतु कहीं भी पता नहीं चल सका। घटना की जांच पुलिस कर रही है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने क्राइम कंट्रोल के लिए कई दिशाओं में काम करना शुरू किया है। उनके नेतृत्व में एक तरफ पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी पर काम कर रही है तो दूसरी तरफ पुलिस केस का अनुसंधान समय से करते हुए न्यायालय में समय से पैरवी करने का और डायरी भी सबमिट करने का काम तेजी से करना शुरू किया गया है। तो वहीं मुकदमे ट्रायल में चल रहे हैं उनमें पुलिस अपनी तरफ से पूरी तत्परता के साथ केस में गवाही भी करवाने का काम कर रही है और उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को इस काम के लिए जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं, जिसकी वजह से प्रति महीने लगभग विभिन्न मामलों में 400 से अधिक लोगों की गवाही कोर्ट में करवाई जा रही है ताकि कुख्यात अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा समय से दिलाई जा सके और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। मीरगंज थाना की पुलिस ने सिंघा तीन मुहानी बजरंगबली स्थान के पास से एक स्कॉर्पियो को पकड़ा है जिसमें भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ बियर भी मिली है, जिसकी पुलिस के द्वारा गिनती की गई तो उसमें 5 कार्टून किंगफिशर, 70 कार्टून बंटी बबली, लाइम देसी शराब एवं 2 कार्टून 8 PM विदेशी शराब मिली है, जिसकी कुल मात्रा 707.280 लीटर बताई गई है। हालांकि इस कार्रवाई में तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है क्योंकि पुलिस को आता देख कर रात्रि में शराब तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस अब तस्करों की पहचान कर रही है तथा शराब और गाड़ी को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।